Hi friends, I am Sripad Naik and you are watching Electrical Academy. Today we are going to discuss primary or stator resistance starter. मतलब आप primary resistance starter भी बोल सकते हैं या stator resistance starter ऐसा भी इस starter को denote कर सकते हैं। Induction motor, three phase induction motor को start करने की सबसे simple method, सबसे simple and easiest method ये stator resistance starter है, ठीक है? देखो एक्सपेक्ट एक्सेप्ट ड्यूअल स्टार्टर छोड़ के बाकी जो भी स्टार्टर है उनसे हमारा एम क्या है कि वोल्टेज को रिड्यूस करना, अप्लाइड वोल्टेज टू स्टेटर जो हम प्रोवाइड करते उसको स्टार्टिंग इंस्टेंट जब रहता है तब रिड्यूस करना, कि मतलब स्टार्टिंग करंट भी रिड्यूस हो सके स्टार्टिंग वोल्टेज रिड्यूस करने की वजह से, और स्टार्टिंग करंट रिड्यूस होगा तो फिर वोल्टेज जो ड्रॉप होगा इक्विवेलेंट वोल्टेज ड्रॉप मतलब टोटल वोल्टेज ड्रॉप तो वो भी रिड्यूस होगा और आपकी जो मोटर है वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगी। और जब मोटर एक बार स्पीड पकड़ लेगी तो स्पीड पकड़ने के बाद डायरेक्टली मोटर को थ्री फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करना, लेकिन स्टार्टिंग में उसमें जो वोल्टेज है वो वोल्टेज थोड़ा सा रिड्यूस प्रोवाइड करना, रिड्यूस वोल्टेज प्रोवाइड करना ताकि आपका स्टार्टिंग करंट कम हो सके, ठीक है? तो देखो हमें स्टार्टिंग करंट रिड्यूस करना है इसीलिए स्टार्टिंग वोल्टेज मतलब जो प्रोवाइड करते हैं हम फुल सप्लाई वोल्टेज तो उसको रिड्यूस करना है स्टार्टिंग इंस्टेंट में। लेकिन हमें पता है कि टी टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप एंड वी स्क्वेयर, मतलब स्क्वेयर ऑफ वोल्टेज प्रोपोर्शन में आपका टॉर्क आता है। तो अगर आप वोल्टेज रिड्यूस करेंगे तो वोल्टेज रिड्यूस अब जब आप करते हैं तो टॉर्क भी आपका रिड्यूस होगा, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क आपको कम मिलेगा अगर आप वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं। स्टार्टिंग में जो प्रोवाइड करने वाला वोल्टेज है उसे आप रिड्यूस कर रहे हैं इसीलिए स्टार्टिंग टॉर्क भी आपका रिड्यूस होगा, ठीक है? इसलिए वोल्टेज रिड्यूस करने की कुछ ना कुछ लिमिट है, उससे नीचे अगर आपने वोल्टेज रिड्यूस किया तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही कम मिलेगा और उतने टॉर्क से आपकी जो मोटर है वो स्पीड पकड़ ही नहीं पाएगी। इसीलिए जो वोल्टेज है उसकी भी कुछ ना कुछ लिमिट रहती है, उस लिमिट के नीचे आपको वोल्टेज नहीं जाना चाहिए आपका। सो स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में देखो मैंने ये सर्किट डायग्राम निकाली है। थ्री फेज एसी सप्लाई, थ्री फेज एसी सप्लाई आ रहा है मेन स्विच की तरफ और मेन स्विच और स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट है, मतलब मेन स्विच के बाद स्टार्टिंग रेजिस्टर्स हमने कनेक्ट की है। वन रेजिस्टर फॉर वन फेज, एक एक रेजिस्टर्स कनेक्ट किए होते हैं एक एक फेज के लिए, थ्री फेज में थ्री रेजिस्टर्स, और उस रेजिस्टर्स की मदद से और रेजिस्टर्स के बाद स्टेटर के टर्मिनल्स कनेक्ट है, मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड होगा स्टेटर के टर्मिनल्स में स्टार्टिंग जब आप मोटर की करेंगे तब, और आपका जो वोल्टेज है वो रिड्यूस होगा और वोल्टेज क्योंकि यह जो वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टर में तो जो वोल्टेज स्टेटर को मिलेगा वो रिड्यूस होगा और स्टार्टिंग करंट भी रिड्यूस होगा by the starting resistors. So in order to apply the reduced voltage to the stator of induction motor, three resistances are added in series with each phase of the stator winding, and initially resistors are kept in maximum position at starting. Resistors को maximum position पर रखना है आपको, जब आप induction motor start करेंगे तब ये resistors maximum position में ही होने चाहिए। अगर वो maximum position में होते हैं तो क्या होगा, बहुत ही कम वोल्टेज स्टेटर को मिलेगा, बाकी का सारा वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टर्स में हो जाएगा, और रेजिस्टर्स में वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से जो टोटल वोल्टेज होगा उसमें बहुत सारा वोल्टेज यहाँ चला जाएगा और बाकी बहुत ही रिड्यूस वोल्टेज इस स्टेटर को मिलेगा, और रिड्यूस वोल्टेज स्टेटर को मिलेगा मतलब स्टार्टिंग करंट स्टेटर का रिड्यूस होगा, ठीक है? तो नो डाउट स्टार्टिंग टॉर्क जो आपको मिलने वाला था वो भी रिड्यूस होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ अमाउंट है उससे कम रिड्यूस नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान में रखो। मतलब जब आपका स्टार्टिंग इंस्टेंट है तो आपने ये जो रेजिस्टर से तो रेजिस्टेंस पूरा का पूरा प्रोवाइड किया स्टेटर के टर्मिनल्स को, मतलब ये जो स्लाइडर है वो मैक्सिमम पोजिशन पर रखा। तो एक बार आपकी मोटर स्पीड पकड़ लेती है मतलब वो 70 to 80% का जो स्पीड अगर वो पकड़ लेती है तो उसके बाद आपको ये जो स्लाइडर है ये मूव करना है रन पोजीशन पर। रन पोजीशन मतलब यहाँ आपका अगर स्लाइडर आता है तो यहाँ आपका स्लाइडर आएगा तो यहाँ से पूरा सप्लाई आपके स्टेटर की तरफ आएगा, ठीक है? मतलब पूरा का पूरा थ्री फेज एसी सप्लाई कनेक्ट होगा स्टेटर को जब आपकी इंडक्शन मोटर स्पीड पकड़ेगी, तब तक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है।
तो ऐसा बहुत ही सिंपल है ये स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। सिर्फ रेजिस्टेंस, यहाँ आपको रेजिस्टेंस के बारे में ही बताना था, बाकी सब कुछ तो आपको पता है। अगर थर्मल ओवरलोड रिले आपने कनेक्ट किए तो यहाँ आप थर्मल ओवरलोड रिले ही कनेक्ट कर सकते हैं। ओवरलोड आने के बाद वो रिले सेंस करेगा और सर्किट को ट्रिप करेगा। तो थर्मल ओवरलोड रिले, जैसे हमने ड्यूअल स्टार्टर में देखा था थर्मल ओवरलोड रिले, वैसे आप यहाँ कनेक्ट कर सकते फॉर प्रोटेक्शन। अगर आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो आप कटरीज फ्यूज भी कनेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट से अवॉइड करने के लिए मोटर को। तो जैसे ही आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए तो यह सारे इक्विपमेंट्स हर एक स्टार्टर में आएंगे। थर्मल ओवरलोड रिले आएगा, कैटरीज फ्यूज आएगा, ये सब कुछ जो भी हमारे है वो सब कुछ आएगा। कॉन्टैक्टर कॉइल भी कुछ ना कुछ स्टार्टर्स में आएगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में कॉन्टैक्टर कॉइल अगर आपने कनेक्ट की, दो फेज के बीच में कनेक्ट की, या तो फिर तीनों फेज में अलग अलग कॉन्टैक्टर मैग्नेटाइजिंग कॉइल कनेक्ट की, और जब सप्लाई फेल होता है तो सप्लाई फेल होने के बाद वो जो कॉन्टैक्टर कॉइल है वो डी एनर्गाइज हो जाएगी, और जब तक वो एनर्गाइज नहीं होती तब तक आपकी मोटर अगेन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। मतलब जितना आपको प्रोटेक्शन चाहिए उतना आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉन्टैक्टर कॉइल भी लगा सकते हैं हर एक स्टार्टर में, या तो फिर ड्यूअल स्टार्टर विथ स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर भी लगा सकते हैं। मतलब पहले ड्यूअल स्टार्टर लगाओ, ड्यूअल स्टार्टर स्टार्ट स्टॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और आपको सिर्फ रिड्यूस वोल्टेज भी चाहिए अगर आपकी मोटर ज़्यादा रेटिंग की है तो। उसके बाद स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं सिंपली बाय कनेक्टिंग द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज विथ ईच फेज। तो ऐसा आप कर सकते। तो हमारे प्रोटेक्शन के हिसाब से हम ये स्टार्टर्स, सारे स्टार्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, सारे इक्विपमेंट्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर की थ्योरी मैं अभी आपको दे देता हूँ। इन ऑर्डर टू अप्लाई द रिड्यूस वोल्टेज टू द स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर, थ्री रेजिस्टेंसेस आर एडेड इन सीरीज विथ ईच फेज ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। इनिशियली रेजिस्टेंस आर केप्ट इन मैक्सिमम पोजिशन एट स्टार्टिंग। ड्यू टू दिस लार्ज वोल्टेज गेट्स ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस, हेंस रिड्यूस वोल्टेज गेट्स अप्लाई टू द स्टेटर विच रिड्यूसेज द हाई स्टार्टिंग करंट। वंस द मोटर स्टार्ट्स रनिंग द रेजिस्टेंसेस आर ग्रेजुअली कट ऑफ फ्रॉम दिस स्टेटर सर्किट, दैट इज रियोस्टैट्स मूव टूवर्ड्स रन पोजिशन, देन रेटेड वोल्टेज गेट्स अप्लाई टू द स्टेटर, मीन्स फुल थ्री फेज सप्लाई इज अप्लाई टू द स्टेटर एंड देन मोटर रन्स विथ नॉर्मल स्पीड। दिस स्टार्टर इज वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड इट इज चीपर ऑल्सो। इट कैन बी यूज फॉर बोथ स्टेटर स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर, बट देर आर लार्ज पावर लॉसेज ड्यू टू रेजिस्टेंसेज। ऑल्सो स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर रिड्यूसेज ड्यू टू रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई टू द स्टेटर। दिस स्टार्टर प्रोवाइड्स हाई पावर फैक्टर एट स्टार्ट। तो देखो, ये जो स्टार्टर है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ये मोस्ट पॉपुलर स्टार्टर नहीं है, ये ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। क्योंकि देखो, रेजिस्टर जो आप कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो रेजिस्टर स्लाइडर आप मूव करते जाते हैं, लेकिन ये जो वोल्टेज है वो थ्री फेज एसी सप्लाई से पूरा वोल्टेज आ रहा है। वो वोल्टेज इस ये जो रेजिस्टेंसेज हमने कनेक्ट किए हैं स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के, तो उसमें क्या हो रहा है, ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो जब आप ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर लगाएंगे, इसके आगे वाले एपिसोड में हम देखने वाले, तो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। वहाँ थ्री फेज एसी सप्लाई से जो वोल्टेज आता है ऑटो ट्रांसफार्मर में, उससे हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज हम ले रहे, लेकिन यहाँ जो वोल्टेज है इसका लॉस हो रहा है। मतलब देखो, इसमें ये सारा वोल्टेज का ड्रॉप होता है, वो ड्रॉप हमारे क्या काम का, वो वोल्टेज ड्रॉप हमारे कुछ काम का नहीं है स्टार्टिंग में, और सिर्फ आपको रिड्यूस वोल्टेज ही सप्लाई करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर लॉस इस रेजिस्टेंस में हो रहा है। तो टू अवॉइड दिस पावर लॉस, दिस स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर आर रिप्लेस बाय द ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज़ नहीं करते इंडस्ट्री में ज़्यादा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज़ करते, इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखने ही वाले। और ये जो स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, इसका एक एडवांटेज है सिर्फ कि ये हाई पावर फैक्टर देता है स्टार्टिंग में। क्योंकि देखो, कॉस पाई होता है हमारा आर बाय जेड, तो अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है स्टार्टिंग में तो कॉस पाई मतलब पावर फैक्टर भी बढ़ेगा। तो हाई पावर फैक्टर देता है, लेकिन हाई पावर लॉस भी इस स्टार्टर में हो रहा है, तो ये स्टार्टर ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अभी स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन TST एंड T फुल लोड। देखो, ड्यूअल स्टार्टर में हमने देखा था कि स्टार्टिंग टॉर्क TST जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क TST, वो
IST स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है, मतलब स्टार्टिंग करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शन में आपका स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अगर स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा है तो स्टार्टिंग टॉर्क आपको हाई मिल रहा है, कहा ड्यूल स्टार्टर में। यहाँ स्टार्टिंग करंट आपका बहुत रिड्यूस हो रहा है तो स्टार्टिंग टॉर्क भी ऑब्वियसली यहाँ रिड्यूस होगा। तो देखो TST इज प्रोपोर्शनल टू IST स्क्वायर है, और हमें पता है कि व्हेन स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इज यूज देन वोल्टेज रिड्यूसेस से इट इज एक्स टाइम्स वोल्टेज आपका रिड्यूस हो रहा है। वहाँ आपने फुल वोल्टेज सप्लाई किया था ड्यूअल स्टार्टर में, लेकिन यहाँ आपका जो वोल्टेज है वो एक्स टाइम्स रिड्यूस हो रहा है। तो आपका जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है तो शॉर्ट सर्किट करंट भी रिड्यूस होगा। स्टार्टिंग करंट जो आपका, अगर आप स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर नहीं लगाते तो आपका स्टार्टिंग करंट था IST, लेकिन अभी आपने स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर कनेक्ट किया है तो स्टार्टिंग करंट और शॉर्ट सर्किट करंट दोनों सेम नहीं रहेंगे। आपका जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी क्योंकि आपने ये रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं यहाँ, बराबर है। तो IST क्या रहेगा अभी, IST इज नॉट इक्वल टू ISC, IST और IC दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। ये शॉर्ट सर्किट करंट थोड़ा कम हो जाएगा। आपका एक्चुअल स्टार्टिंग करंट कब होता है, ये जब स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर नहीं लगाते, लेकिन अभी ये भी रिड्यूस हो रहा है। तो अभी क्या होगा, IST इज इक्वल टू K टाइम्स ISC, मतलब K टाइम्स आपका वोल्टेज आप अगर रिड्यूस कर रहे हैं तो करंट भी K टाइम्स कम होगा। तो K टाइम्स ISC इज इक्वल टू IST, ऐसा हम बोल सकते। सो अभी TST प्रपोर्शनल टू क्या हुआ, TST इज प्रपोर्शनल टू IST क्या है, K टाइम्स ISC। सो K इंटू ISC ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब K स्क्वायर ISC स्क्वायर, बराबर है। तो अभी TST इज प्रपोर्शनल टू K स्क्वायर ISC स्क्वायर हुआ। तो स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क का रेशो हम यहाँ बताते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क का रेशो क्या हुआ फिर, K इंटू ISC ब्रैकेट स्क्वायर स्टार्टिंग टॉर्क का प्रपोर्शन है ये। और फुल लोड टॉर्क किसके प्रपोर्शन में होता है, हमने ड्यूअल स्टार्टर में देखा था, इट इज प्रपोर्शनल टू IF स्क्वायर, मतलब फुल लोड करंट स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्लीप एट फुल लोड SF, स्लीप एट फुल लोड। तो फाइनली आपका स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क का रेशियो क्या हुआ स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में, इट इज इक्वल टू K स्क्वायर ISC बाय I फुल लोड ब्रैकेट स्क्वायर, ISC बाय I फुल लोड ब्रैकेट स्क्वायर इंटू SF, स्लीप एट फुल लोड। तो ये रिलेशन हमें मिल गया TST बाय T फुल लोड का, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें क्या शो कर रहा है कि ये स्टार्टिंग टॉर्क अगर हमने निकाला तो ये टी फुल लोड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूसेस बाय द फ्रैक्शन K स्क्वायर, इस K स्क्वायर से आपका स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। और ये K की वैल्यू इट इज ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी, इतना आप ध्यान में रखो। तो आज हमने डिटेल में डिस्कस किया स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, अगले वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ठीक है। थैंक यू।